हे मेरे नाथ, बस इतनी कृपा करना प्रभु कि मैं आपको भूलूं नहीं। अगर यही प्रार्थना हम करते रहें तो जीवन में फिर कोई कमी नहीं होगी, ठाकुर जी सब कुछ प्रदान करेंगे। एक बहुत प्यारा सा भजन है, इन पंक्तियों को ध्यान से श्रवण करिए कि जो कुछ है हमारे केवल और केवल प्रभु हैं, केवल और केवल परमात्मा हैं, तो उन्हीं की भक्ति, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं की सेवा जीवन में बनी रहे, ये प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कुछ आधार नहीं तिनके तुम ही रखवारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। प्रतिपाल करो सिगरे जग को अतिशय करुणा उर्धारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ सहारे हो। इसको इस माहौल में अब कोई अपना सगा संबंधी लगता नहीं है, तो संबंधी कौन है, अपना कौन है, कहा सच्चा संबंध किससे जोड़ना चाहिए, तो यही भाव है कि जो कुछ है वो केवल प्रभु हैं, और अगर उनकी कृपा यदि जीवन में हो गई तो सब कुछ मिल जाएगा, और केवल आसरा उन्हीं का है। अगर वही कृपा करेंगे तो इस महामारी से संपूर्ण विश्व की रक्षा हो पाएगी, इसलिए प्रार्थना बहुत दिव्य है। भूले हैं हम ही तुमको हमरी सुधि नहीं कभी बिसारे हो। उपकारन को कछु अंत नहीं छिन ही छिन जो बिस्तारे हो। महाराज महामहिमा तुम्हारे समझे बिरले बुधवारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे मन मंदिर के उजियारे हो। प्रार्थना क्या, यह जीवन के तुम ही जीवन हो इन प्राणन के तुम प्राण हो। यह जीवन के तुम ही जीवन हो इन प्राणन के तुम प्यारे हो। तुम सो प्रभु पाई प्रताप हरे कह के अब और सहारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ सहारे हो। सहारा केवल प्रभु का है, और भगवत कृपा जब तक यदि नहीं हुई, अगर उनकी कृपा होगी तभी इस महामारी में संपूर्ण जगत की रक्षा हो सकेगी। तो हम सभी भूदेवों का, हम सभी जीवों का ये कर्तव्य है कि इस महामारी में नित्य प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस महामारी में संपूर्ण जगत की रक्षा करिए, संपूर्ण विश्व की रक्षा करिए। क्योंकि वो गीत है किसी फिल्म का, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। तुम्ही हमरे रखवारे तुम्ही हमरे हो सहारे तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। आसरा केवल भगवान का है, इसलिए प्रार्थना यही भगवान से करनी है कि आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले मुझको
तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। प्रार्थना हो प्रभु से, और प्रभु कृपा यदि होगी तभी जाकर के हमारी रक्षा हो पाएगी, क्योंकि इस महामारी के कारण कितने सारे लोगों का रोजगार चला गया। जिन लोगों ने अपने जीवन की पूरी संपत्ति, पूरी पूंजी यहाँ आकर के परदेश में लगाई है, वो सब कुछ छोड़ करके सबको गांव जाना पड़ा, और लोग गांव जा रहे हैं, यहाँ छोड़ करके अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो यही प्रार्थना है, उस माँ शारदा को याद किया जाए, मैया को याद किया जाए, और भाव से उनको पुकारा जाए कि हे माँ, आप रक्षा करिए, संपूर्ण जगत की रक्षा करिए, संपूर्ण विश्व की रक्षा करिए, क्योंकि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम आपके बच्चे हैं, हे मैया कृपा करिए। माँ शारदे कहाँ तू, वीणा बजा रही है। माँ शारदे कहाँ तू, वीणा बजा रही है। किस मन जो ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। किस मन जो ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है। विनती नहीं हमारी क्यों मात सुन रही है। हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं। माँ शारदे कहाँ तो वीणा बजा रही है। चरणों में तेरे माता सिर को झुका रहे हैं। चरणों में तेरे माता हम सिर नवा रहे हैं। अज्ञान तुम हमारा, सभी को अभिमान है अपने अपने ज्ञान का। कोई अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ बैठा है, कोई अपने आप को बहुत बड़ा कथाकार समझ बैठा है, पर जगत को बुद्धि देने वाली, जगत को प्रेरित करने वाली, प्रकाशित करने वाली मैया जब तक हमारा ज्ञान दूर नहीं करेंगी, तब तक हम ज्ञानी नहीं हो पाएंगे। हमें संसार का या कि हमें पुरुष का, उस परम पिता का या परम पिता का पहचान नहीं हो पाएगा, पुरुष प्रकृति को समझ नहीं पाएंगे। इस समझने के लिए करें क्या, मैया से प्रार्थना। हाँ अज्ञान तू हमारा माँ शीघ्र दूर कर दो। अज्ञान तुम हमारा माँ शीघ्र दूर कर दो। द्रुत ज्ञान शुभ्र हम में माँ शारदे तो भर दे। माँ शारदे कहाँ तो वीणा बजा रही है। क्या प्रार्थना है का, हम सब कितने भी बड़े हो जाए, हे मैया हम हैं तो आपके बच्चे, हम हैं आपके बालक। और बच्चा कहा, कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवती। पुत्र कितना भी बड़ा कुपुत्र हो जाए, माँ कुमाता नहीं होती। तो ऐसी जननी से हम सभी को प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हमारे द्वारा किए हुए कर्मों के कारण ही हम दुखी हैं, हे माँ कृपा करिए ताकि जीवन में परिवर्तन आए, कुछ तो कुछ बदले। जब तक हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक जीवन में उन्नति नहीं हो सकती, तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको जीवन में किसी भी प्रकार का विकास चाहिए, चाहे वो आध्यात्मिक विकास हो, चाहे वो आर्थिक विकास हो, तो आपको अपनी हर गलतियों से सीखना पड़ेगा, और हर गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के विकास हो पाएगा। माँ से क्या प्रार्थना करें। बालक सभी जगत के तिहारे, सभी क्या है, बालक है, माँ आपके बालक हैं। बालक
सभी जगत के सुत मात्र हैं तिहारे, प्राणों से प्रिय तुझे है, प्राणों से प्रिय तुझे है, हम पुत्र सब दुलारे, हमको दयामयी माँ। क्या प्रार्थना करनी है? हमें कुछ आता नहीं है, जब तक आप अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में ज्ञान, आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ज्ञानी बनने का पहला शर्त है कि अपने आप को अज्ञानी मानिए। हमें कुछ नहीं आता, अगर आप अपने आप को ज्ञानी मान बैठे हैं तो जीवन में उन्नति नहीं होगी, आप कुछ सीख नहीं पाओगे। कुछ भी सीखना हो, याद रखना, एक छोटा सा बच्चा आपको बहुत कुछ सिखा सकता है यदि आप कुछ सीखना ही चाहते हो। और अगर आपके अंदर आप अपने आप को ज्ञानी ही मान बैठे हो तो बड़ा से बड़ा पंडित, बड़े से बड़ा वक्ता, बड़े से बड़ा कथाकार, बड़े से बड़ा गुरु भी आपका कल्याण नहीं कर सकता। तो करना क्या है, स्वीकार करना होगा कि हमारे भीतर अज्ञान है, और जब तक ये स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम ज्ञान के मार्ग पर चल नहीं पाएंगे। तो यही प्रार्थना है। हाँ, हमको दयामयी ले माँ गोद में पढ़ावो, हमको दयामयी माँ ले गोद में पढ़ाओ, अमृत जगत का हमको, अमृत जगत का हमको माँ शारदे पिलाओ, हृदय रूपी पलक में करते हैं अहो जारी, हर क्षण ढूंढते हैं माता तेरी सवारी। हे माँ, हमें गोद में लेकर के हमें अमृत ज्ञान सिखाइए, हमें ज्ञान प्रदान करिए, हमें पढ़ाइए, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करिए। धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी जो धी है, हमारी बुद्धि है, उसे आप प्रेरित करिए, उसे आप प्रकाशित करिए। ये प्रार्थना। मातेश्वरी तू सुन ले सुंदर विनय हमारी, कर ले करके दया तू हर ले। ये प्रार्थना, ये कड़ी सभी के लिए है, सभी साथ में गुनगुनाइएगा। मातेश्वरी तू सुन ले सुंदर विनय हमारी, करके दया तू हर ले बाधा जगत की सारी। जो बाधा जगत में आई है, हे माँ, उसको हर लीजिए, हमारी विनती को स्वीकार कर लिए। मातेश्वरी तू सुन ले सुंदर विनय हमारी, करके दया तू हर ले बाधा जगत की सारी। माँ शारदे कहाँ तो वीणा बजा रही है, माँ शारदे कहाँ तो वीणा बजा रही।